क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 है बच्चों, अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली आप व्यू पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर। बाकी पुराना वाला भी पढ़ा रखा है जिसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। कह रहे हैं यदि ए तथा बी सममित आव्यूह हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। तो देखो यहाँ आ जाएंगे हल पे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, अंग्रेजी में बोलते हैं दिया है को गिवन। हमें क्या दे रखा है, ए तथा बी सममित आव्यूह है, ए तथा बी सममित आव्यूह है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का परिवर्त आव्यूह ए के बराबर होगा और बी का परिवर्त आव्यूह बी के बराबर होगा। हमें जहां जरूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक। उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला गया है कि ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए इसका परिवर्त आव्यूह, ठीक है, क्योंकि विषम सममित दिखाना है तो इसका परिवर्त निकालना पड़ेगा। तो परिवर्त में क्या होता है कि जो भी होते हैं उनका अलग अलग डैश लग जाता है। यहाँ लग जाएगा ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। कारण दे सकते हो ए माइनस बी का जो डैश होता है वो क्या होता है, ए डैश माइनस बी डैश होता है, ये आप जानते हैं। उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि ए बी जो होता है वो क्या होता है, बी ए होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश, और यहाँ से हो जाएगा ए डैश बी डैश। और आप जानते हो प्रश्न में दे रखा ए डैश ए के बराबर, बी डैश बी के बराबर। तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। माइनस उपनिष्ठ निकालो तो जो माइनस वाला है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस का हो जाएगा। यानी कि ए बी माइनस बी ए का जो डैश है वो किसके बराबर आ गया, माइनस ए बी माइनस बी ए के बराबर आ गया। आप जानते हैं कि ए डैश अगर माइनस ए के बराबर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, विषम सममित। उसको हम क्या बोलते हैं, विषम सममित। तो ये क्या हो जाएगा, अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित है, विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, ये चीज हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। काफी शानदार प्रश्न है ये, ऐसे प्रश्न दो दो नंबर में आ सकते हैं या बड़े नंबर में भी आ सकते हैं। कह रहे सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है यदि ए सममित अथवा विषम सममित है। ठीक है, दो केस लेने हैं आपको। पहला केस ले लेते हैं हल में, यदि ए सममित हो ठीक, अगर ए सममित हो तो क्या होगा, ए डैश ए के बराबर होगा। अब आ जाओ प्रश्नानुसार, जिस भी आव्यूह को सममित या विषम सममित दिखाना होता है, चेक करना होता है, उसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, परिवर्त आव्यूह निकालते हैं, है ना। तो इसका हम क्या निकालना पड़ेगा, परिवर्त आव्यूह। तो इसको बोल देंगे, इसका हम निकालेंगे परिवर्त आव्यूह। अब हम क्या करेंगे, तीन है तो इसको एक बोलते हैं, इसको दो। तो आप जानते हैं यहाँ से आपको पता ही है कि ए बी किसके बराबर होता है, बी ए के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी का डैश गुणा बी डैश का डैश। अब यहाँ से नियम क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश, और किस, आपको पता है कि ए डैश का जो डैश होता है वो ए के बराबर होता है, इससे पहले मैंने सिखा रखा है।
तो ये ए के बराबर आ जाएगा। और आप जानते हैं ए डैश किसके बराबर है, ए डैश ए के बराबर है, प्रश्न में दे रखे हैं, चूंकि ए डैश ए के बराबर है। यहाँ से बी हो गया बी डैश ए डैश, और यहाँ से बी डैश बी किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा ना, मैंने यहाँ से ए लिख दिया, ये बी है बच्चों, ठीक है ये बी है। तो ये देखो बी डैश ए बी फिर से आ गया, बी डैश यहाँ से आ गया ए डैश बी, और ए डैश की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ए रख सकता हूँ, वो हमने अभी तक रखा नहीं है, बी डैश ए बी। तो बी डैश ए बी का परिवर्तन निकाला, फिर से वही आ गया, ठीक है। अतः यह सममित आव्यूह है। प्रश्न में भी यही बोला गया है कि अगर आप सममित लोगे तो सममित आएगा, और अगर विषम सममित लोगे तो विषम सममित आएगा। केस सेकंड में आ जाओ, सेकंड केस क्या है, यदि ए विषम सममित आव्यूह है, अगर ए विषम सममित आव्यूह तो क्या होगा, ए डैश की जगह हम रखेंगे माइनस का ए, ठीक। अब प्रश्न पे आ जाओ, प्रश्नानुसार क्या है हमारे पास, बी डैश ए बी, इसका परिवर्तन लेना है, ट्रांसपोज लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको एक इसको दो मानेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी का डैश, और इधर हो जाएगा बी डैश का डैश, यहाँ पे आ जाएगा बी डैश ए डैश, और बी डैश का डैश क्या हो जाएगा बी, ठीक। और प्रश्न में जानते हैं ए डैश की जगह क्या रख सकते हैं, यहाँ पर प्रश्नानुसार यहाँ पे आ जाएगा माइनस का ए, माइनस सामने आ जाएगा बी डैश ए बी, ठीक है। तो ये चीज उसके नेगेटिव के बराबर आ गई, अतः यह विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, तो सममित लेके चलेंगे तो सममित आएगा, विषम सममित लेके चलेंगे तो विषम सममित आएगा। ये हो गया आपका आराम से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, कह रहे हैं एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं आपको। यदि ये हमारा ए है और ए डैश ए हमारा आई देता है, ठीक है, तो प्रश्न में आ जाएंगे हमारे पास क्या है, ए डैश ए आई के बराबर है। तो डैश का मतलब क्या होता है, परिवर्त आव्यूह, ठीक। आई आई का मतलब होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ए डैश क्या होगा, जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाता है, जो दूसरा रो है दूसरा कॉलम बन जाता है, और जो तीसरा रो है वो तीसरा कॉलम बन जाता है, ठीक। ये है यहाँ पर सिंपल वही रखेंगे 0 2YZ, ओके। अब इसको क्या करना है, हल कर लेना है। देखिए यहाँ से रो लेते हैं और इधर से कॉलम, गुणा करने के लिए दो मैट्रिक्स की गुणा होगी। अब गुणा हमें ध्यानपूर्वक करना है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है गुणा, ठीक है। पहला वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, और तीसरा वाला तीसरे के साथ, फिर आ जाओ दूसरे कॉलम में आ जाएंगे, पहला वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, और तीसरा वाला तीसरे के साथ, ठीक। फिर आ जाओ पहला वाला पहले के साथ, सॉरी ये है ना पहला वाला पहले के साथ, तो 0×Z क्या हो जाएगा, 0 यहाँ लिख देता हूँ, प्लस का 0,
एक्स गुणा जेड माइनस के एक्स जेड हो जाएगा और एक्स गुणा जेड प्लस के एक्स जेड हो जाएगा। ठीक, उसके बाद पहला रो हो गया तो दूसरे पे आ जाओ, पहला पहले के साथ दो वाई गुणा जीरो जीरो, फिर वाई गुणा एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स वाई और ये हो जाएगा माइनस के वाई एक्स, दो दुनी चार वाई गुणा वाई वाई स्क्वायर, दूसरा का दूसरे के साथ वाई गुणा वाई वाई स्क्वायर, इधर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, दो यहाँ से हो जाएगा दो वाई जेड वाई जेड और यहाँ से हो जाएगा माइनस के वाई जेड, फिर जेड गुणा ज़ीरो ज़ीरो माइनस जेड गुणा एक्स माइनस का जेड एक्स और जेड गुणा एक्स जेड एक्स, फिर जेड गुणा टू वाई जेड माइनस के जेड वाई और माइनस के यहाँ से आ जाएगा जेड वाई, जेड गुणा जेड सॉरी गाइस जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस जेड गुणा जेड जेड स्क्वायर और यहाँ से प्लस जेड गुणा जेड जेड स्क्वायर, यहाँ आपका वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो 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 वन। ठीक है, अब आगे लिख लेते हैं, यहाँ पर यहाँ से आपको मिल जाएगा टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से मिल जाएगा ज़ीरो, यहाँ से मिल जाएगा ज़ीरो, यहाँ से मिल जाएगा ज़ीरो। ठीक, यहाँ से आ जाएगा कितना सिक्स वाई स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा ज़ीरो, यहाँ से आ जाएगा ज़ीरो, यहाँ से आ जाएगा ज़ीरो और यहाँ से आ जाएगा थ्री जेड स्क्वायर। ठीक है, अब तुलना करेंगे, इसकी तुलना इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर बराबर वन, ये दो गुणे में इधर के पट्टे में आ जाएगा, वर्गमूल लोगे क्योंकि मैट्रिक्स बड़ा बड़ा है ना, संगत पदों की तुलना करोगे तो एक्स का माना जाएगा प्लस माइनस एक बट्टे अंडर रूट दो, इसकी तुलना इसके साथ होगी सिक्स वाई स्क्वायर बराबर एक, तो वाई स्क्वायर का माना जाएगा एक बट्टे छः, वाई का माना जाएगा प्लस माइनस एक बट्टे अंडर रूट छः। ठीक, उसके बाद देखिए इसकी तुलना इसके साथ करेंगे, ये हो गया तीन गुणे में इधर के पट्टे में आ गया, z का मान हो जाएगा एक का वर्गमूल एक और तीन का वर्गमूल अंडर रूट तीन, ये हमें x y और z के मान मिल गए, बड़ा आसान था, हो गया आराम से। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाओ, सिंपल से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बड़े नंबर में कई बार पूछा गया है। ठीक, देखो तीन मैट्रिक्स के गुणा है, ठीक है तीन मैट्रिक्स के गुणा है जीरो के बराबर, यानी कि जीरो मैट्रिक्स के बराबर या जीरो लिख सकते हो सिंपल। तो यहाँ देखिए वन टू वन है और यहाँ पर है वन टू ज़ीरो वन वन ज़ीरो टू। ठीक, फिर यहाँ पर है ज़ीरो टू एक्स। अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये वाला जो मैट्रिक्स है तीन गुणा तीन का है, तीन रो हैं और तीन ही कॉलम है, इसमें तीन रो हैं, ठीक है एक रो दो रो तीन रो और कॉलम कितना है एक, इसके आखिर में और इसके स्टार्टिंग में बराबर है तो गुणा संभव है। जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो थ्री इंटू वन का आएगा, इसको पहले वैसे देखो सिंपल अब करते हैं, गुणा करो देखो इधर से रो लेते हैं और इधर से कॉलम, वन गुणा ज़ीरो ज़ीरो दो दुनी चार, ज़ीरो गुणा एक्स ज़ीरो होता है, दो गुणा ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो गुणा दो ज़ीरो, एक एक गुणा एक्स एक्स, एक गुणा ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो गुणा दो ज़ीरो, यहाँ पे आ जाएगा दो एक्स, यहाँ पे ज़ीरो। कुल मिला के यहाँ क्या है वन टू वन और इधर है अपन के पास फोर एक्स टू एक्स। अब इसका ऑर्डर चेक करो, इसमें कितने रो हैं एक और कितने कॉलम हैं तीन, इसमें कितना है तीन रो है और एक कॉलम है, इसके आखिर में और इसके स्टार्टिंग में समान है तो गुणा संभव है। ठीक है,
तो रो लेते हैं और एक कॉलम लेते हैं। चलिए करते हैं गुणा, एक चक्कू चार ठीक, प्लस दो गुणा एक्स दो एक्स, एक गुणा दो एक्स दो एक्स, तो ये हो गया चार एक्स प्लस चार किसके बराबर, जीरो के बराबर। तो प्लस के चार इधर के माइनस का हो गया, और ये चार गुणा में इधर के बट्टे में आ गया, चार एक कम चार, एक्स का मान आ गया माइनस का एक, एक्स का मान कितना आ गया माइनस का एक आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला प्रश्न हमने कर लिया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, कह रहे हैं अगर ये ए है तो सिद्ध कीजिए इसका मान आई जीरो के बराबर होगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो सबसे पहले यहाँ ए स्क्वायर है वो हम निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर क्या होता है, ए गुणा ए, ठीक। अब हमें गुणा करना है, इधर से रो ले लेंगे और इधर से कॉलम लेते हैं गुणा करने के लिए। तो गुणा करते हैं, तीन तीन नौ और एक कम माइनस का एक, फिर तीन एक कम तीन, एक दुनी दो। अब दूसरा रो लेंगे, माइनस एक तीन माइनस का तीन, दो एक कम माइनस का दो, माइनस एक कम माइनस का एक, दो दुनी चार। देखो नौ में से एक घटाएंगे आठ, ये आ गया माइनस का पाँच, यह पाँच और चार में से घटाएंगे तीन। ठीक है, अब आ जाओ जो हमें प्रूफ करना है वो क्या है, हमें वो है ए स्क्वायर माइनस का फाइव है प्लस के सात आई। ठीक, ए स्क्वायर का मान रखो आठ पाँच माइनस पाँच, और इधर कितना अपन के पास तीन पाँच, ए हमारे पास कितना है तीन एक माइनस एक दो। ठीक, उसके बाद क्या है हमारे पास, प्लस के साथ आई वन जीरो जीरो वन। ठीक है, इसको हल करके हमें जीरो मैट्रिक्स लाना है। ओके, अब देखो आठ है पाँच है, पाँच तीन पंद्रह, पाँच कम पाँच, पाँच दुनी दस, सात कम सात, सात गुणा जीरो जीरो, सात गुणा जीरो जीरो, सात कम सात। ठीक, अब देखो संगत पद क्या होते हैं, जुड़ते हैं घटते, यहाँ आठ है यहाँ माइनस के पंद्रह है और यहाँ प्लस के सात है, यहाँ पे पाँच है यहाँ पे माइनस के पाँच है और यहाँ पे प्लस के ज़ीरो, माइनस पाँच माइनस माइनस प्लस का पाँच प्लस का ज़ीरो, तीन माइनस के दस प्लस के सात, क्या आ गया ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, यानी कि ये क्या आ गया ज़ीरो मैट्रिक्स, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। हम लेफ्ट लेके चले थे राइट साइड में पहुंच गए, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अभी ऐसा प्रश्न जस्ट अभी हमने किया है, दोबारा एक ऐसा क्वेश्चन आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। सो हमारे पास देखेंगे एक्स माइनस पाँच माइनस का वन है, आपको पता है इधर से रो लेना होता है और इधर से कॉलम गुणा हो जाएंगे, तो एक गुणा एक्स एक एक्स, ज़ीरो गुणा चार ज़ीरो, दो एक कम दो, ज़ीरो गुणा एक्स ज़ीरो, चार दुनी आठ एक कम एक, दो गुणा एक्स दो एक्स, ज़ीरो गुणा चार ज़ीरो, तीन एक कम तीन। ठीक, इसको ढंग से लिख लेते हैं, एक्स माइनस पाँच माइनस के वन, यहाँ है एक्स प्लस टू, यहाँ है नौ और यहाँ है टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है जी, अब आपको पता है इधर से रो लेते हैं और इधर से कॉलम गुणा करते हैं, एक्स को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा टू एक्स, फिर माइनस पाँच से गुणा करना है आपको,
ठीक, तो ये हो जाएगा 5 * 9 = 45, और इधर हो जाएगा माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस के 2x, 2 * 1 = 3, 1 - -3। तो देखो यहाँ से प्लस का 2x माइनस का 2x कटा, एक्स स्क्वायर माइनस के 45 माइनस का 3 माइनस के 48, तो माइनस के 48 इधर रखे प्लस के 48, तो 16 * 3 = 48, 4√3 आ जाएगा वर्गमूल निकालोगे तो। ठीक, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स वाई जेड का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है, बेचता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित है। पहले बाजार में ये है और दूसरे बाजार में ये है, ठीक है। अब इसमें कंडीशन दे रखा है एक्स वाई जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य इतना इतना और इतना है। प्रत्येक बाजार में कुल आय आव्यू, ये पहला बाजार है और ये दूसरा बाजार है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, कुल आय निकालनी है। किस विधि से? आव्यू विधि से, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो देखिए आव्यू विधि से, देखो ये आव्यू विधि है, इसको आव्यू के रूप में रखेंगे। ये है 1000 नहीं 10000 है, ये है 2000 और ये है 18000, ठीक। फिर है हमारे यहाँ पर 6000, फिर है आपका 20000 और उसके बाद है 8000। विक्रय मूल्य निकालने आर एक्स वाला नियम लगता है, और एक्स वाई जेड के जो दे रखा है, एक्स दे रखा है 2.5 और ये दे रखा है 1.5, पीछे 0 लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इधर से हम रो लेते हैं और इधर से हम क्या लेते हैं, कॉलम लेते हैं, ठीक। दस हजार को 2.5 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, 25000 आ जाएगा। हाँ 25000, 2000 को 1.5 से करें, 1.5 × 3, तो ये आ जाएगा 3000, और 18 * 1 = 18000, पूरा वैसे का वैसा, ठीक। उसके बाद ये पहले बाजार का कुल मूल्य आ जाएगा, और दूसरे बाजार का 6000 को 2.5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 15000, 1.5 × 3, तो ये हो जाएगा 30000, क्योंकि आपकी बार ये 20000 है, 30000 और 8000 * 1 = 8000, तो इन सबको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 46000, और इन सबको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 53000, ठीक। तो पहले बाजार का जो टोटल मनी होगा वो होगा 46000 रुपये, और दूसरे बाजार का होगा कितना, 53000 रुपये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं अगले पर, अगले वाले में सेम चीज है, देखो आप, ठीक है, सेम चीज है। ये बाजार 1 है, बाजार 2 है, और ये आपकी बार 2 रुपये 1 रुपये 50 पैसे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आव्यू विधि से, पहला वाला यहाँ पर है 2 रुपये, ये 1 रुपये 50 पैसे का मतलब होता है 0.5, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं ना, तो 50 को 100 से भाग दे दोगे रुपये में आ जाएगा 0 से 0 कटा, 0.5 नहीं 0.2 है ना, 5 * 5 = 10, तो 2 × 5 = 10, हाँ 0.5 ही आएगा, ठीक है। ये आपको पता चल चुका है। अब ये बाजार पहला वाला है 10000, दूसरा वाला है 2000, और ये है 18000, फिर आपका 6000, फिर आपका है 20000, फिर आपका है 8000। गुणा करेंगे, इधर से रो लेते हैं और इधर से कॉलम, 10000 × 20000, ठीक, और 2000 * 1 = 2000,
और 18 पंजे 90, तो ये आपका आ जाएगा 9000। अब इसके गुना 6 दुनी 12000 और 20000 एकम 20000, 8 पंजे 40, तो ये आ जाएगा आपका 4000। इन सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 31000 और इन सबको जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 36000। तो पहले बाजार का जो मूल्य होगा वो होगा 31000 रुपये और दूसरे बाजार का जो मूल्य होगा वो होगा 36000 रुपये। ठीक है, ये चीज़ तो आ गई। प्रश्न में हमसे क्या बोला गया था, हमें कुल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट ज्ञात करना है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट हमें ज्ञात करना है, कुल लाभ हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब आप देखेंगे प्रश्न को हमने पूरा पढ़ा है, ये पहले बाजार का है, ये दूसरे बाजार का। ठीक, तो बाजार का जो मूल्य है, देखो पहले बाजार का जो मूल्य है, देखो यहाँ पर आ जाओ, बाजार का मूल्य, पहले बाजार का मूल्य था 31000 और दूसरे बाजार का मूल्य है 36000। ठीक है, तो पहले बाजार यहां से दिख ही रहा है कि हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। पहले बाजार का लाभ, ठीक है, पहले बाजार का लाभ, पहले बाजार में हमने देखो ये विक्रय मूल्य के लिए था, किसके लिए था, विक्रय मूल्य, हमने इतने में बेचा और ये था हमारे क्रय मूल्य वाला लागत कॉस्ट। ठीक है, तो लाभ क्या होते हैं, लाभ हमारा होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारे पास था 46000, हमने बेचा इतने में 46000 रुपये में और ख़रीदा हमने था 31000 रुपये में, तो हमें जो लाभ हुआ है वो हुआ है 15000 रुपये का, पहला आंसर। अब दूसरे बाजार का लाभ क्या होगा, देखो दूसरे बाजार को जो बेचा हमने इतने में बेचा, ये विक्रय मूल्य है और खरीदा हमने इतने में, तो इसमें भी लाभ हुआ है, तो बेचा हमने कितने 53000 में और खरीदा था हमने 36000 में, तो यहाँ पे भी हमें लाभ हुआ है 17000 का। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, कह रहे हैं एक्स हमें ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, ये एक्स आव्यो ज्ञात करनी है। काफ़ी शानदार है, देखो अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, ये क्वेश्चन शानदार है, थोड़ा दिमाग के आपको टेस्ट ज़रूर करेगा। ठीक है, यहाँ से देखो, क्योंकि यहाँ पर जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, कितने रो हैं, 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, क्योंकि बराबर है, इधर जो मैट्रिक्स होगा इधर भी वही मैट्रिक्स होगा। अब इसका कितना रो है, इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं और इसके स्टार्टिंग में कितना है, ये जो एक्स होगा आपको आइडिया लग जाएगा, इसके स्टार्टिंग में 2 है क्योंकि इसी ऑर्डर का इधर आना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 2 तो आएगा ही आएगा और इसके आखिर में 2 है, तो इधर 2 ही आएगा क्योंकि इसके आखिर में 2 है, इसके स्टार्टिंग में 2 होगा तभी गुणा संभव होगी। ठीक है, तभी गुणा संभव होगी और यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से 3, तो 2×3 ऑर्डर और यहाँ से 2×3 ऑर्डर, तभी जाके ये बराबर होगा। तो एक्स जो आप लोगे, एक्स जो आव्यूह होगा उसका ऑर्डर 2×2 होना चाहिए। तो मैंने एक्स मान लिया है कि भैया मैं एक्स मान लेता हूँ कि ये ए, ये बी, ये सी और ये डी है और यही ए बी सी डी हमें निकाल कर दिखाना है। ठीक है, अब आ जाते प्रश्नानुसार, क्या है हमारे पास प्रश्न में, देखो एक्स का मान डायरेक्ट रखते हैं ना, जगह कम पड़ जाएगी, नहीं तो यहाँ एक्स का मान डायरेक्ट रखते हैं। एक्स का मान हमारे पास है ए बी सी डी और इधर हमारे पास है 1 2 3 4 5 6
माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9, 2, 4, 6। ठीक, अब हमें क्या करना होता है, इधर से रो लेना होता है और इधर से लेना होता है कॉलम। ठीक, हल करते हैं। इसके गुणा इसके साथ, ए एक कम ए और बी चौके 4b, ए दुनी 2a, ये हो जाएगा 5b, और यहाँ से हो जाएगा 3a, और ये हो जाएगा 6b। अब दूसरे रो पे आ जाओ सी, और इधर से आ जाएगा प्लस 4d, सी दुनी 2c, प्लस यहाँ से हो जाएगा 5d, यहाँ से हो जाएगा 3c और 6d। माइनस 7, माइनस 8, माइनस 9, 2, 4, 6। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है, तुलना कर देंगे। हमें किसी भी हालत में ए और बी निकालने हैं, ए और बी निकालने हैं, सी और डी निकालने हैं। ए और बी में दो समीकरण ले लो, सी और डी में दो समीकरण ले लो, और उनको हल कर लो, आपका आपका उत्तर मिल जाएगा। यहाँ से देखो, चूँकि ए प्लस 4b आपके पास कितना के बराबर है, माइनस 7, और यहाँ से 2a प्लस 5b किसके बराबर है, माइनस के 8। फिर देखिए यहाँ से ले लेते हैं, चूँकि इधर से ले लेता हूँ सी, सी प्लस 4d किसके बराबर है, 2 के, और यहाँ से 2c प्लस 5d किसके बराबर है, 4 के। अब इन समीकरणों को हल करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब देखो विलोपन विधि लगाएंगे, इधर 2 है, इस वाले में 2 से गुणा करना पड़ेगा, 1 हटाने के 2 से गुणा करो, 2a, 4 दुनी 8b, 7 दुनी 14, और यह है 2a 5b माइनस के 8। ठीक, अब क्या है, समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलता है, घटा 8 और 8 में से 5 घटाएंगे 3, माइनस के 14 और 8 कितना हो जाएगा, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम, बी का मान 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचेगा। अच्छा हाँ हाँ, 14 में से 8 प्लस का है ना, तो यहाँ से 6 बचेगा माइनस का, 3 दुनी 6, बी का मान आ जाएगा माइनस के 2। ठीक, अब बी का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, चूंकि ए प्लस 4b माइनस 7 के बराबर है, बी का मान है माइनस का 2, 4 दुनी 8, और माइनस का 8 इधर के प्लस का हो गया, 8 में से 7 घटाएंगे तो ए का मान क्या आ जाएगा, 1। ए का मान 1 और बी का मान क्या आ गया, माइनस के 2। अब इस वाले समीकरण को हल करोगे, देखो सी हटाते हैं, इस वाले में 2 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 2c, 4 दुनी 8d, 2 दुनी 4, और 2c प्लस 5d, 4। समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलते हैं, तो प्लस माइनस घटा 5, 8 में से 5 घटाएंगे 3d, ये 0, तो 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होते हैं। ठीक, अब d का मान यहाँ रख दो, चूँकि c प्लस 4d बराबर 2 है, तो d का मान 0 है, तो c में 0 जोड़ोगे तो c रहेगा। ठीक, अतः x जो हमें निकालना है, सब निकल चुके हैं, x हमने क्या माना था, a b c d, तो a का मान कितना है, 1, b का मान है माइनस का 2, c का मान है 2, और d का मान है 0। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, एक बार दोबारा जरूर देखें। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, हमसे क्या बोल रहे हैं, यदि a ये है, a स्क्वायर i के बराबर कब होगा। देखो हमें a स्क्वायर i के बराबर बोल रहे हैं, यानी कि a गुणा a, अल्फा बीटा गामा माइनस के अल्फा, आई क्या होता है, 1001।
ठीक है, अब हमें गुणा करना है। इधर से रो लेते हैं और इधर से कॉलम लेते हैं। अल्फा गुणा अल्फा, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, ठीक। फिर देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, और अगर आप थोड़े से भी स्मार्ट हो आपको ये आगे हल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आगे हल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैट्रिक्स बराबर है, ये चीज़ के बराबर होगी क्योंकि एमसीक्यू है ना, पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं है भाई एमसीक्यू में, जितना काम चल जाए उतना ही हल करो। तो यहाँ पर देखो अल्फा स्क्वायर बीटा गामा किसके बराबर है, एक के बराबर है, तो ये जो प्लस का एक इधर के माइनस का हो जाएगा, उधर क्या बच जाएगा, ज़ीरो। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस वन बराबर ज़ीरो होगा, अल्फा स्क्वायर। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस से उधर गुणा कर दोगे, जो नेगेटिव का वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव का वो नेगेटिव का हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ये ऑप्शन ना नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप पूरा गुणा कर लो, इधर भी कर लो इधर भी कर लो, टाइम वेस्ट है। तो एमसीक्यू में तो जितना टाइम बचा पाओ उतना बेनिफिट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही हैं तो वो आव्यूह क्या होगा, ठीक है, तो वो कैसा होगा। तो देखो जो शून्य अवयव होता है, शून्य अवयव जिसके अंदर के सारे अवयव शून्य हो, शून्य अवयव आपका सममित भी होते हैं, क्योंकि जीरो प्लस में लिखो या जीरो माइनस में लिखो वो जीरो ही रहता है, और शून्य आपका विषम सममित भी होता है, ठीक है। जीरो का डैश जीरो ही आएगा, जीरो का डैश माइनस जीरो भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है ना, जीरो डैश जीरो लिखो या जीरो डैश माइनस जीरो लिखो, दोनों ही लिख लो, बात तो जीरो ही है, जीरो ही आएगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी है, ए एक शून्य अवयव है, ये सही हो जाएगा कि जो मैट्रिक्स है ना वो आपका क्या है, एक शून्य अवयव है, ठीक है जी, हो गया बड़े आराम से। अब आते हैं आखिरी प्रश्न पर, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिले के डिस्क्रिप्शन में, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना प्लीज, ठीक है। आखिरी प्रश्न पे आ जाओ, ये भी पूछा गया है एग्जाम में, एमसीक्यू में, एनसीईआरटी के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं आपको बार बार पहले ही बोल रहा हूँ। कह रहे हैं यदि ए एक वर्ग अवयव इस प्रकार है कि ए स्क्वायर ए के बराबर है तो इसका मान क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत ईजी है और इम्पोर्टेंट भी है। सबसे पहले तो इसको एक हाथ को हम खोल देंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, थ्री ए स्क्वायर बी, थ्री बी स्क्वायर ए, ठीक। खोल दो यहाँ से, ए का क्यूब बी का क्यूब, थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री बी स्क्वायर ए। किसी भी मैट्रिक्स को जब हम आई से गुणा करते तो फिर से वही मैट्रिक्स आता है, आपको पता ही होगा, आई को तुम कितनी बार ही गुणा करो वो आई के बराबर ही रहेगा। ए क्यूब को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर गुणा ए, आई स्क्वायर आई रहता है और ए स्क्वायर की जगह ए दे रखे हैं गुणे में आई, ठीक। ए स्क्वायर की जगह मैं ए रख सकता हूँ, आ गया ए, और आई गुणा ए क्या होता है, ए ही होता है, और यहाँ से किसी भी संख्या को आई से गुणा करेंगे वही रहता है, ठीक। सो देखिए, अच्छा माइनस के साथ ए भी तो है, देखो तीन ए अभी आ जाएगा आंसर, ए आ जाएगा ए गुणा ए, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा ए, ठीक। चलो लिख देता हूँ, तीन तीन छः, अब देखो ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा ए, ठीक, और यहाँ पर है सात ए, छः ए और ये एक सात ए, प्लस का सात ए माइनस का सात ए हटा, क्या बचा आई, क्या बचा आई, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा आई। ऑप्शन नंबर ये जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
और इस तरीके से ये जो पूरी प्रश्नावली है वो हमने सॉल्व कर ली है। बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखो मैंने पूरी एनसीईआरटी पहले ही पढ़ा दी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही पढ़ा रखे हैं। आप नए की वेट करते मत ना करो, आप पुराने से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि सब कुछ वही है, सिलेबस वही है, बुक वही है ना। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना, और प्लीज़ चैनल पर नए हो अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ।